उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मजे में होंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारे किचन में बन रहा है, अम्मी बना रही है दाल और चावल। ठीक है, दाल और चावल, और बहुत इजी रेसिपी है। तो पूरी रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ अम्मी से पूछ पूछ के बता दी जाऊँगी। ये तो यहाँ पर अम्मी ने दाल बॉयल करके रखी हुई है, इसके अंदर कुछ इन्ग्रीडियंट्स डाले हुए हैं, चिकन भी है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अलग से इसका मसाला जो है तैयार हो रहा है, जो टमाटर अम्मी ने भूनने के लिए रख दिए। ये अम्मी की स्पेशल दाल की रेसिपी है जो कि अम्मी बनाती है, हमारे घर में बनती है और सब बहुत शौक से। हम इस दाल के अंदर बीफ भी ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ते, धनिया, मेथी, धनिया मेथी, सिर्फ मेथी, हरा धनिया और मेथी। ठीक है, अभी जो है अम्मी ने टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके थे, हरा धनिया, मेथी और कड़ी पत्ते जो है धोकर डाल दिए हैं यहाँ पर इसके अंदर। अभी मसाला जो है हमारा भुनेगा। सही है। अच्छा, किचन में जब मैं अम्मी की हेल्प करवाती हूँ तो मुझे खाना बनाने भी अम्मी से आया है। ठीक है, जो कि मैं उनकी हेल्प करती हूँ तो मैं उनसे साथ साथ पूछती भी जाती हूँ, आपने क्या डाला। तो मुझे साथ साथ अभी बनाने आए हैं। ठीक है, मैं कोई हाँ, इसके अंदर तो है अम्मी ने लाल मिर्च, धनिया ज़ीरा, हरा मसाला, नमक, हाँ ये सारी चीज़ें डालकर और थोड़ा सा पानी डाल के बनने के लिए रख दिया है। ये पूरी वीडियो दोबारा जब दाल बनेगी तो मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी, अम्मी से बनवाऊँगी वो बीफ की, और वो प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ दाल चावल की शेयर करूँगी। ठीक, तो यहाँ पे जो है दाल का मसाला हमारा अच्छे से भूनना है, अम्मी ने पानी डाल के रखा था ताकि भून जाए, फिर हम इस दाल के अंदर जो है ऐड करेंगे। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। अम्मी ने जो है यहाँ पर मसाला अच्छे से भून के रख दिया था, जो बॉयल की भी हमारी दाल थी वो जो है मसाला भुना हुआ इसके अंदर ऐड करें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम थोड़ा सा इसको बनने के लिए रख देंगे और मज़ेदार दाल फिर हमारी तैयार हो जाएगी, अम्मी वाली दाल। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है अम्मी ने मज़ेदार दाल बना ली है। ठीक है, और जो चावल है और हाँ जी, तो यहाँ पर हमारी मज़े की दाल चावल तैयार है, जो कि इसको हम प्याज, नींबू, मज़ेदार अचार के साथ नोश फरमाएंगे और बड़े मज़े के लगते हैं अचार और दाल। मिर्चे मैंने नहीं बनाए थे, जो मैंने पहले रेसिपी में सिखाए थे वो आप बनाएं, वो भी अच्छे लगते हैं, वो भी बनाएं, वो भी ट्राई करें। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा दाल चावल। उस्मान, खाला ने दाल चावल कैसा बनाया था? अच्छा बनाया था। बेहतरीन, बोलो बेहतरीन। ऐसे 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 बेहतरीन। कैसा बनाया था?
ये निकालो मुंह से, अब बड़े हो गए हो। और क्या? और व्हाट आर यू डूइंग? I'm using phone. Hello, Mr. Shehzad. What are you doing? I'm using mobile phone. Wow. And you, Mr. Harun? What are you doing? Going jump, bang, What are you doing? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं. खड़े हो जाएं. चलें. अब आपके नेबुलस का टाइम. यही मार रहे हैं. अस्मा आप क्या कर रही हैं मोबाइल फोन के अंदर? अस्मा चैटिंग कर रही है अपनी केयू फ्रेंड से. ठीक है, इनकी क्लासेस नहीं हो रही है बेचारे बच्चों की कराची यूनिवर्सिटी में. ठीक है, बहुत परेशान हो रहे हैं. एक हफ्ता पूरा चला गया इनका. भाई कराची यूनिवर्सिटी वालों, आप क्लासेस दें. वहाँ के टीचर्स, हम आपसे रिक्वेस्ट हैं, आप क्लासेस दें. किसी की नहीं सुनते बेटे. एक्सपीरियंस अच्छा है. फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा था, सेकेंड भी एवरेज था, थर्ड में तो टीचर बट क्लासेस नहीं हो रही. थर्ड में टीचर ने क्लासेस ही नहीं दी, तो ये सारा दिन हजार हम घर में बैठे. हमारे सर फरहान है जो हर बेंच पे है. हाँ, आप मेरे पैसों का फोड़ रही होती है रोज. अक्कल है तू? क्या बोल रही है? चुप हो जा. सातवीं फेल. चुप. एक शब्द नहीं. सारा दिन ठूस रही होती है. कल भी इनकी क्लास नहीं है. कल क्लास है केमिस्ट्री. हाँ चलो है, शुक्र है. पूरा हफ्ता क्लास नहीं रही, लेकिन कल है. तुम्हें शर्म तो आती नहीं तुम्हें? मैंने बोला तो तुम्हें मैंने कौन ही आता. करो घर के काम पहले, जरूरी है. ठीक है, मेरी दो से तीन दिन से काफ़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है. ठीक है, सर में पेन जो है, और आप मेरे लिए दुआएं करें, खासकर ठीक है मेरी तबीयत सेट हो जाए. मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेकर आऊँ. मुझे अपनी दुआ में खास याद रखें. इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ. अल्लाह हाफिज़.